देवथर सहित रीवा जिले के विभिन्न ओवरब्रिजों के नीचे टाइमिंग बम विस्फोटक सामग्री से दहशत फैलाने वाले आरोपियों को सुहागी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूरे मामले में रीवा एसपी नवनीत भसीन द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी। बता दें कि 2016 से घटना को अंजाम दे रहे थे उक्त आरोपी। बीते 21 जनवरी को तेवथर के सुहागी ओवरब्रिज में विस्फोटक सामग्री टाइमिंग बम से शुरू हुई दहशत की घटना के बाद रीवा जिले के अन्य थाना क्षेत्रों में अलग अलग दिनों में 4 टाइमिंग बम की सूचना से अधिकारियों से जनता जनार्दन के बीच हड़कंप मचा हुआ था, जहां पूरे मामले में सुहागी पुलिस एवं साइबर पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश एवं मार्गदर्शन पर सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य सहायता के माध्यम से यूपी के प्रयागराज मेजर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ होने पर 2016 से अब तक 13 घटनाओं को अंजाम दिया है, जहां 2016 में प्रथम बार महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन से शुरुआत करते हुए 2017 में संग्राम एक्सप्रेस ट्रेन में भी बम रखकर दहशत फैलाया गया था। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से इस्तेमाल की गई सेंट्रो कार सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को बरामद किया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों की पहचान प्रकाश सिंह उम्र 35 वर्ष, राम तीरथ हरिजन उम्र 36 वर्ष, दोनों निवासी मेजा प्रयागराज एवं दिनेश दुबे उम्र 26 वर्ष निवासी मेरठ के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त आरोपियों द्वारा पैसों के लिए उक्त घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार के उपरांत प्रयागराज सहित रीवा जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घंटों आरोपियों से पूछताछ की गई है, जिन्हें कल 4 जनवरी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, पुलिस इन आरोपियों को कैसे पहचान, किस तरह से पेश किया गया? सुहागी वाली घटना के समय हमें फुटेज प्राप्त हुआ था, प्लस उस फुटेज को हम लोगों ने क्लियर कराया, काफी उसमें प्रयास किए गए, तब क्लियर होके पता पड़ा वो गाड़ी सेंट्रो है, क्योंकि रात के समय का फुटेज था, कैमरा भी दूर था। हमारी जो गश्त गाड़ी होती है, रॉयल एनफील्ड गाड़ी का उस समय मूवमेंट उस क्षेत्र में था, उन्होंने भी उस समय हल्का सा उनको एक गाड़ी वहां पे घूमते हुए दिखी थी। उन्होंने इसको देखा कि जो गाड़ी थी वहां पे संभवतः डीएल नंबर की गाड़ी वहां खड़ी हुई थी, और गाड़ी को क्लियर पहचानने में अंधेरे में उनको भी समस्या थी। इसके अलावा एक साक्षी हमारे पास था, उसने बताया कि जो गाड़ी का नंबर है वो इतना बड़ा देख पाया कि 1414 नंबर उसमें जरूर आता है। तो गाड़ी का नंबर जो आपने देखा, तो इन सब तीनों चीजों के आधार पे प्लस साइबर टीम ने पैरेलली अपना काम किया, तो दोनों को जोड़ते हुए फिर हम लोग अंत तक पहुंचने में सफल हो पाए। अभी हम लोगों ने आरोपियों को मेजा उत्तर प्रदेश से वहां से इनको संदेह के रूप में पूछताछ के लाए, जब इनसे पूरी बात क्लियर हुई, काफी चीजें मैच हुई, इनसे सामान मिले, तो हमारा श्योरिटी हुई कि ये हमारे आरोपी हैं। इसके पश्चात थाने में इनकी अरेस्टिंग आज। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पिछले कुछ दिनों से लगातार जो घटनाएं प्रकाश में आ रही थी, जिसमें प्रयागराज जाने वाले नेशनल हाईवे के अंडरपास पर और उसके पश्चात मिर्जापुर जाने वाले हाईवे के मुख्य मार्ग के बीच में भी आपने देखा कि कुछ सर्किट्स टाइमर पाइप के द्वारा कुछ आर्टिकल लगाकर दहशत फैलाने का प्रयास किया जा रहा था। इस क्रम में हम लोगों ने भी 3 आरोपी राउंड अप किए हैं। ये तीनों लोग जो हैं, अभी इनसे प्रारंभिक पूछताछ की गई है, हमारी टीम लगातार इनसे भी सघन पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, वो सबसे पहले तो जो एक आरोपी है प्रकाश सिंह, मैकेनिकल इंजीनियर की पृष्ठभूमि ने अपनी बताई है। इसका कहना है कि इसको 2015 के आसपास से मिर्गी की समस्या शुरू हुई, जिसके कारण इसकी नौकरी प्राइवेट क्षेत्र में जो करता था छूट गई, और पारिवारिक समस्याओं, तनाव, आर्थिक समस्याओं के चलते इसने तत्कालीन समय में ऐसी घटना दो बार करने का प्रयास किया, परंतु उसमें सफलता
कहीं से नहीं मिली। तत्पश्चात पुनः इसने स्वास्थ्य ठीक होने के पश्चात कहीं और अपनी नौकरी का प्रयास किया। इसके पश्चात पुनः आपने देखा जनवरी माह 2022 में, जैसा कि आपको हमने प्रेस नोट में दिया भी है, 8 जनवरी को नैनी, उसके पश्चात 13, 16, 19 जनवरी को भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले, और उसके पश्चात 21 तारीख से मध्य प्रदेश में सुहागी थाना, 26 तारीख को मनगवां गंगेव में और 29 तारीख को मऊगंज में इस प्रकार की घटनाएं प्रकाश में आई। इन सब घटनाक्रमों के दौरान लगातार हमारी रीवा पुलिस की टीम सक्रिय बनी रही, विभिन्न थानों का स्टाफ, एसडीपी, एडिशनल एसपी, साथ में साइबर सेल की टीम ने लगातार उस क्षेत्र का, घटनास्थलों का कई बार भ्रमण किया और बिखरे तंतु जोड़ते हुए अपना अधिकतम प्रयास किया, जिसके चलते आरोपी राउंडअप हम कर पाए हैं। का रहने वाला अपने आप को उसने बताया है, उसकी शिक्षा दीक्षा मेरठ के आसपास हुई है, बीकॉम एलएलबी पढ़ा हुआ है। तीसरा साथी इनका लोकल मेजा क्षेत्र का ही रहने वाला प्रकाश का पुराना साथी है। प्रारंभिक पूछताछ में विभिन्न घटनाओं की स्वीकारोक्ति इनके द्वारा की गई है। जो पत्र आप देख रहे हैं साथ में मिलते थे, उनकी राइटिंग भी मैच की जा रही है और इनसे उद्देश्य पूछा जा रहा है लगातार कि इसके पीछे इनका इंटेंशन क्या था, उद्देश्य क्या था। तो प्रारंभिक जानकारी में जो उद्देश्य इन्होंने बताया कि हमें लगता था कि हम सफल नहीं हो पाए हैं जीवन में और करप्शन बहुत ज्यादा है, ऐसी कुछ समस्याओं को लेकर हम अपनी बात इसके माध्यम से रखेंगे तो कुछ मैसेज जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हमारी टीमें अभी और वर्क कर रही हैं, साइबर की टीम वर्क कर रही है और विभिन्न टीमें इनके जो बताए गए, इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके आधार पर इनके घर और इसके आसपास भी लगी हुई हैं और क्रॉस चेक किया जा रहा है, तस्दीक किया जा रहा है कि इनकी कितनी बातें ठीक हैं और कितनी बातों में भी और गुंजाइश निकलने की संभावना बनती है। मेजा का मुख्य इनका सेंटर है जहां पे दो आरोपी निवास करते हैं, तीसरा बाहर से आया है। मेजा के आसपास के हाईवेज और अंडरपास रेलवे के टच करने में प्रयास इनका ये रहता था कि कहां से हम टोल बचा के कैमरे से बच के जा पाएं। और इस क्रम में इन्होंने ये हाईवेज क्यों चुने, जिससे कि यहां से हाईलाइट होने को, यहां से बात भारत तक जाने को आसानी हो सके। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस को भी शेयर किया है, उनकी एक टीम भी पूछताछ में शामिल है, वो भी सहयोग कर रही है।